जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय की पुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था का अध्याय 11 पढ़ेंगे। अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार अर्थतंत्र का बच्चों आधार है तथा आधुनिक मानव समाज की बुनियादी आर्थिक क्रिया है। किसी भी देश का विदेशी व्यापार वहाँ के आर्थिक विकास का मापदंड होता है। व्यापार दो प्रकार का होता है, एक होता है घरेलू या देशी व्यापार, दूसरा विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। घरेलू या देशी व्यापार, जब वस्तुओं का आदान प्रदान देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य को होता है तो उसे हम घरेलू या देशी व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए असम व पश्चिमी बंगाल में उत्पन्न की जाने वाली चाय पूरे देश में भेजी जाती है। इसी तरह अन्य वस्तुएं उत्पादित देशों से उन क्षेत्रों में भेजी जाती है जहां उनकी आवश्यकता होती है। विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब दो या दो से अधिक देशों में आयात निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता की पूर्ति दूसरे देशों से आयात करके पूरा कर लेता है या अपने यहाँ से आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को निर्यात कर देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक होता है। जब एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं व उत्पाद भेजे जाते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं तथा जब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का उत्पाद मंगाया जाता है तो उसे हम आयात कहते हैं। भारत में विदेशी व्यापार निर्यात मूल्य की तुलना में आयात मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। 2004 और 5 से 2018 और 19 के मध्य जहां भारत के विदेशी व्यापार आयात मूल्य में लगभग 15 गुनी वृद्धि हुई है, वहीं निर्यात मूल्य में भी लगभग 6 गुना वृद्धि अनुभव की गई है। भारत में विदेशी व्यापार के आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य में पर्याप्त अंतर मिलता है। आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का यही अंतर भुगतान असंतुलन रूप से दिखाई देता है। भारत के विदेशी व्यापार में भुगतान संतुलन की स्थिति हमेशा घाटे की रही है। वर्ष 1960-61 में विदेशी व्यापार का यह घाटा 4.80 अरब रुपया था, जो वर्ष 80-81 में बढ़कर 58.38 अरब रुपया हो गया। आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। यदि निर्यात का मूल्य आयात मूल्य से अधिक है तो इसे व्यापार का अनुकूलन कहा जाता है। इसके विपरीत जब निर्यात का मूल्य आयात मूल्य से कम होता है तो इसे व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहा जाता है। भारत का विदेशी व्यापार, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के विकसित देशों की तुलना में करें अगर हम तो भारत में विदेशी व्यापार की मात्रा कम मिलती है। सन 1990 में विश्व के कुल विदेशी निर्यात में भारत का योगदान केवल 0.5% था, जो वर्ष 1914 में बढ़कर 1.7% हो गया। सन 1950-51 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 12.14 अरब रुपये था, जो वर्ष 70-71 में बढ़कर 31.69 अरब रुपया और 90-91 में बढ़कर 765.51 अरब रुपया हो गया। भारत के विदेशी व्यापार में बढ़ते भुगतान असंतुलन घाटे के लिए प्रमुख रूप से 5 कारण उत्तरदायी है। पहला, विश्व स्तर में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि। दूसरा, कच्चे तेल या पेट्रोलियम का बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात। विश्व बाजार में भारतीय रुपए का अवमूल्यन। चौथा, घरेलू उपभोग में हो रही तीव्र वृद्धि तथा उत्पादन में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि। पांचवा, विश्व व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। फिर भी भारत के विदेशी व्यापार की कुछ विशेषताएं बच्चों, उसमें सबसे पहला है कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से संपन्न होता है, जो कि हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है। नंबर दो, वर्तमान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, हांगकांग और स्विट्जरलैंड से किया जाता है। अधिकांश समुद्री व्यापार कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोचीन बंदरगाहों द्वारा संपन्न होता है।
दूसरी ओर कृषि एवं समवर्गीय उत्पादों के अंतर्गत सम्मिलित कॉफ़ी, चाय, मसाले और दालों जैसे कृषि उत्पाद के निर्यात में गिरावट आई है। यद्यपि चीनी, समुद्री उत्पादों तथा ताजे फलों के निर्यात में वृद्धि की गई है। नंबर चार है कि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में पहले कपास, जूट, तिलहन, लोह अयस्क और मैग्नीज, अभ्रक तथा मसाले प्रमुख थे, जबकि वर्तमान में मोती एवं बहुमूल्य पत्थर, सिले हुए वस्त्र, इंजीनियरिंग का सामान, लोह अयस्क व धातु, चमड़ा, सूती धागा और वस्त्र प्रमुख हैं। पांचवी विशेषता है, भारत को आयात की जाने वाली वस्तुओं में तैयार औद्योगिक मालों तथा खाद्यान्नों की प्रधानता रही है, लेकिन वर्तमान में पेट्रोलियम, मोती, रत्न, बहुमूल्य पत्थर, मशीनरी, परियोजना वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्वर्ण व चांदी, रसायन, उर्वरक, खाद्य तेल तथा लोहा इस्पात प्रमुख है। विदेशी व्यापार के संगठन, भारत के विदेशी व्यापार के संगठन में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। वर्तमान में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कृषि उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, पशु उत्पाद से लेकर हस्तशिल्प, निर्मित वस्तुएं तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सम्मिलित है, जबकि आयातित की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, रत्न व आभूषण तथा पूंजीगत वस्तुएं सम्मिलित है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में आयात व निर्यात की परंपरागत वस्तुओं के स्थान पर अनेक नवीन उत्पादों व निर्यात व आयात में हो रहा है। भारत में निर्यात संगठन के बदलते स्वरूप, पिछले लगभग 5 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए सुधार के परिणाम स्वरूप भारत के निर्यात व्यापार में व्यापक परिवर्तन अनुभव किए गए हैं। इस अवधि में जहां एक ओर कृषिगत व संबंधित उत्पादों तथा अयस्क तथा खनिज के प्रतिशत निर्यात मूल्यों में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर विनिर्मित वस्तुओं तथा खनिजों, ईंधन निर्यात मूल्यों में वृद्धि अनुभव की गई है। वर्ष 18-19 में भारत के कुल निर्यात मूल्य में विनिर्माण क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं की भागीदारी 70.3% हो रही है और अन्य निर्यात मदों में सर्वाधिक है। देश के कुल निर्यात मूल्य में विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिशत योगदान में धीमा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विनिर्मित वस्तुओं में मोती, रबर व बहुमूल्य पत्थर, रत्न, इंजीनियरिंग का सामान तथा सिले हुए वस्त्र सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। भारत का आयात संगठन के बदलते प्रारूप इस प्रकार है बच्चों, कि पिछले लगभग 6 दशकों के दौरान भारत के आयात व्यापार के संगठन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि देश का जो 1950 और 60 के दशक में देश में खाद्यान्नों का गंभीर संकट था, वो 60-61 के दशक में 181 करोड़ रुपए मूल्य का खाद्यान्न व संबंधित उत्पाद विदेशों से आयात किया गया, जो देश के कुल आयात मूल्य का 16.1% भाग था। लेकिन 1970 के दशक के बाद भारत में हरित क्रांति को मिली सफलता से विदेशी खाद्यान्नों का आयात रुक गया और वर्ष 1918-19 में देश के कुल आयात मूल्यों में खाद्यान्नों व संबंधित उत्पादों का योगदान तेजी से घटकर केवल 3.2% ही रह गया। दूसरा, कि वर्ष 1960-61 में भारत में पेट्रोलियम तथा संबंधित उत्पादों के आयात पर भारत का 69 करोड़ रुपए मूल्य अदा किया गया, जो देश के कुल आयात मूल्य का 6.15% था। लेकिन 2018-19 में भारत द्वारा 9,623 अरब रुपए मूल्य के पेट्रोलियम तथा संबंधित उत्पादों का आयात किया, जो देश के कुल आयात मूल्य का 26.8% भाग था। अतः स्पष्ट है कि देश में पेट्रोलियम व संबंधित उत्पादों के आयात मूल्य में अति तीव्र वृद्धि अनुभव की गई। वस्तुतः पेट्रोलियम व इसके उत्पाद को न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि देश के कई उद्योगों का कच्चा माल भी इसी के कारण है। साथ ही निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या ने भी देश में पेट्रोलियम खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम के मूल्य में हुई वृद्धि ने इसके आयात मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। तीसरा है कि वर्ष 60 और 61 में भारत के कुल आयात मूल्यों में रसायनों का प्रतिशत या योगदान बहुत ही नगण्य था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 6.1% हो गया।
चौथा कि वर्ष 1960 और 61 में भारत में 366 करोड़ रुपए का पूंजीगत सामान जैसे निर्मित धातुएं, गैर विद्युत मशीनरी, विद्युत मशीनरी तथा परिवहन उपकरण विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन देश का कुल आयात मूल्य उस समय 21.7% भाग था। लेकिन 2018-19 में पूंजीगत सामान का आयात मूल्य 4,972 रुपये हो गया। लेकिन देश के कुल आयात मूल्य में पूंजीगत सामान के आयात का मूल्य घटकर 13.8 ही रह गया। वर्ष 1960-61 में भारत में मात्र 1 करोड़ रुपए मूल्य के मोती, रत्न व बहुमूल्य पत्थर विदेशों से आयात किए गए, लेकिन वर्ष 2018 और 19 में इन उत्पादों का आयात मूल्य तेजी से बढ़कर 1,890 अरब रुपए हो गया। वर्ष 1960-61 में भारत में कुल आयात मूल्यों में स्वर्ण और चांदी का आयात प्रतिशत नगण्य था, जो कि 2018 और 19 में बढ़कर 7.1% हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हम लोग आयात कम करते थे। 2018 और 19 में देश के कुल आयात मूल्यों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का प्रतिशत का योगदान 11.4% हो गया। खाद्य तेल विदेशों से पहले आयात किया जाता था, लेकिन 2018-19 में खाद्य तेलों का आयात मूल्य बढ़कर 690 अरब रुपए हो गया। वर्ष 1960-61 में भारत के कुल आयात मूल्य में अलोह धातुओं के आयात का प्रतिशत 4.2 था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 10.0% हो गया। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा जो है, भारत के आयात व निर्यात से संबंध विश्व के सभी प्रमुख विकसित व विकासशील राष्ट्रों के साथ है। यद्यपि भारत ने विश्व के प्रमुख देशों के साथ विदेशी व्यापार के द्विपक्षीय समझौते किए हैं, लेकिन पिछले लगभग 5 दशकों के दौरान भारत के साथ यूरोपियन देशों के साथ विदेशी व्यापार के प्रतिशत भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। इसके बावजूद पश्चिमी यूरोप के देश तथा खाड़ी देश आज भी भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं। सर्वाधिक आयात प्रदान करने वाले देशों में 2018-19 में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक नामक 5 देश सम्मिलित रहे। स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, ईरान, जापान तथा कुवैत भारत को आयात प्रदान करने वाले प्रमुख देश हैं। भारत के आयात प्रदान करने वाले विश्व के प्रमुख देश इस प्रकार थे कि 2018-19 में भारत के कुल आयात का लगभग 13.5% यूरोप से और 23.1% खाड़ी देशों से, जिसके अंतर्गत आते हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक और कुवैत से प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 35% आयात पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों, जिनमें चीन प्रमुख है, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया तथा जापान से प्राप्त हुआ। भारत निर्यात प्राप्त करने वाले विश्व के प्रमुख देश निम्नलिखित है बच्चों। वर्ष 1960-61 में भारत से होने वाले कुल निर्यात का लगभग 50% हम ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया को करते थे, लेकिन 2018-19 में भारतीय उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, हांगकांग तथा सिंगापुर देशों को किया जाने लगा। ब्रिटेन, जर्मनी, मलेशिया और बेल्जियम भारत के निर्यात को प्राप्त करने वाले अन्य देश भी है। समुद्र पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तन कहलाते हैं। पत्तन लैटिन भाषा के शब्द पोर्टा का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। समुद्र का वह भाग जहाँ जलयान आकर रुकते हैं तथा सामान चढ़ाया उतारा जाता है, पत्तन या बंदरगाह कहलाते हैं। इसमें अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। इसके विपरीत पोताश्रय वह स्थान है जहां जलयानों को आश्रय दिया जाता है या उनकी मरम्मत की जाती है। बंदरगाहों का परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इनके द्वारा ही विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। व्यापारिक नगरों का आयात निर्यात इन्हीं बंदरगाहों द्वारा होता है। यह समुद्र से स्थल का प्रवेश द्वार होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रवेश द्वार कहा जाता है। सामुद्रिक व्यापार यहीं से होता है और ये बहुत सस्ता पड़ता है। इन्हें व्यापार के नाभि बिंदु भी कहा जाता है।
भारत की लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और जिस पर 12 बड़े और 200 अन्य बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि अन्य छोटे बंदरगाह जिन्हें हम छोटे या मध्यम आकार के बंदरगाह कहते हैं, ये संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, न्यू मैंगलोर, कोचीन तथा जवाहरलाल नेहरू जो मुंबई के समीप है बंदरगाह, पश्चिमी तट पर स्थित 6 बड़े बंदरगाह हैं, जबकि तुतिकोरेन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप तथा कोलकाता, हल्दिया पूर्वी तट पर स्थित 6 बड़े बंदरगाह है। सन 1951 में भारत के बड़े बंदरगाहों की माल भार वाहन क्षमता 2.0 करोड़ टन थी, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 145 करोड़ टन हो गई। बंदरगाहों के कुल संचालन, उत्पादकता बढ़ाने तथा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के निजी भागीदारी को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बड़े बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1953 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बड़े बंदरगाहों में 100% तक भागीदारी की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसमें बंदरगाहों तथा पत्तन स्थलों का निर्माण और रखरखाव किया जा सकेगा। 2018 में भारत के 12 प्रमुख पत्तनों द्वारा देश के कुल महासागरीय यातायात का लगभग 58% भाग उपयोग में लाया जाता है। भारत के प्रमुख बंदरगाह, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है कांडला पत्तन, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और एक सुरक्षित बंदरगाह है। इसका विकास देश के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों की आवश्यकता को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन पर सागरीय परिवहन का दबाव कम करने के उद्देश्य से किया गया है। भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों के आयात करने के लिए इस पत्तन का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। इस बंदरगाह पर यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से वाडीनार नामक स्थान पर अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है। इसका पृष्ठ प्रदेश, किसी भी बंदरगाह के लिए उसका पृष्ठ प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों तक विस्तृत है। मुंबई पत्तन यह भारत का ही नहीं विश्व के भी प्रमुख प्राकृतिक पत्तनों में से है, जो सालसेट द्वीप पर पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ मानसून काल में तूफानों में जहाज सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। इसका पोताश्रय प्राकृतिक और सुरक्षित है। इस पत्तन के विकास में कई कारण सहायक है। यूरोप से अधिक निकटता, स्वेज नहर मार्ग तथा उत्तम आशांतरिक मार्ग, इसकी उत्तम स्थिति, प्राकृतिक एवं विस्तृत पोताश्रय, वर्ष भर खुला रहना, विशाल पृष्ठ प्रदेश से रेल मार्गों, सड़कों तथा वायु मार्गों से जुड़ा होना, पश्चिमी घाट पर जल विद्युत शक्ति के विकास के कारण यह एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। यह पत्तन यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के निकट पड़ता है, अतः कोलकाता या चेन्नई की अपेक्षा यहाँ से व्यापार अधिक होता है। यहाँ पर जहाजों की प्रतीक्षा काल को कम करने के लिए अब निकट ही नावा शेवा नामक स्थान पर न्यू मुंबई प्रदेश में नवीन बंदरगाह विकसित किया गया है। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, जिसमें 14 गोंदियां हैं तथा देश का विशालतम टर्मिनल है। मुंबई पत्तन में 3 डॉक है, प्रिंस डॉक में 12, विक्टोरिया डॉक में 13 और अलेक्जेंड्रा डॉक में 17 बर्थ है। यहाँ 2 शुष्क डॉक भी निर्मित किए गए हैं। मुंबई के ठीक पीछे थलघाट और भोरघाट दर्रे हैं, जो मुंबई को उत्तरी पश्चिमी भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से पश्चिमी मध्यवर्तीय रेल द्वारा जोड़ते हैं। इस पत्तन से चमड़े का सामान, कपास, काजू, ऊनी वस्त्र, सूती कपड़ा, परिधान, कालीन, कलात्मक वस्तुएं आदि निर्यात की जाती है। विविध भारी मशीनें, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, कोयला, रंग, फल, रासायनिक पदार्थ, मिट्टी का तेल, विशेष इस्पात का सामान आदि आयात भी किया जाता है। मुंबई पर विदेशी जहाज़ों को निरंतर इंतज़ार में रुकने व उनका विशेष कर चुकाने, पोताश्रय में स्थान की कमी आदि कारणों से अब निकट ही नावा शेवा बंदरगाह का विकास किया गया है। इसे
न्यू मुंबई भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को मुंबई के समीप नावाशेवा नामक स्थान पर मुंबई के अनुषंगी या जुड़वा पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है, जिसे मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते परिवहन दबाव को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका पृष्ठ प्रदेश दक्षिण में तमिलनाडु के पश्चिम भाग से लेकर उत्तर में कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला है। इसका पृष्ठ प्रदेश अनेक प्रकार से विशेष रूप से धनी है। प्राकृतिक पृष्ठाश्रय होने के कारण यहाँ व्यापार बहुत अधिक होता है। मुंबई देश की एवं एशिया की सबसे बड़ी एवं विविध व्यावसायिक मंडी है एवं निकट ही विकसित वृहद औद्योगिक प्रदेश गुजरात व महाराष्ट्र के पास स्थित है। मार्मा गोवा पत्तन। मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित गोवा राज्य में जुआरी नदमुख पर अवस्थित मार्मा गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण करने से इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके पृष्ठ प्रदेश में गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी भाग तथा पश्चिमी कर्नाटक राज्य पर तक विस्तृत है। कोंकण रेलवे के निर्माण के बाद इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश में पर्याप्त विस्तार हुआ है। हमारा अगला बंदरगाह है न्यू मैंगलोर पत्तन। यह पश्चिमी तट पर कर्नाटक राज्य का मुख्य बंदरगाह है, जो कोच्चि से 320 किलोमीटर उत्तर की ओर और मार्मा गोवा से लगभग इतना ही दक्षिण में फैला हुआ है। इसका पोताश्रय बहुत छोटा है। बड़े जहाजों को खुले समुद्र में लगभग 8 किलोमीटर दूर खड़े रहना पड़ता है। मानसून काल में समुद्र के अत्यधिक अशांत रहने से व्यापार को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। इसके पृष्ठ प्रदेश में कर्नाटक और केरला राज्य के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इनमें लौह अयस्क, काजू, कहवा और मैग्नीज पाया जाता है। निर्यात व्यापार के अंतर्गत लौह अयस्क, काजू, चाय, लकड़ियाँ, चंदन का तेल और मछली प्रमुख है और आयात व्यापार का यहाँ विशेष महत्व नहीं है। यहाँ पर बचाव हेतु आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। कोच्चि पत्तन है, जो पश्चिमी तट का एक अलग प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह केरल राज्य और मालाबार तट का प्रमुख पत्तन है, जो मुंबई से लगभग 930 किलोमीटर दक्षिण में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो समुद्र के समानांतर एक विशाल अनूप के मुहाने पर स्थित है। पोताश्रय से संबंधित जलधारा 140 मीटर चौड़ी है और 7 किलोमीटर लंबी है। यहाँ बड़े जहाज सरलता से और सुरक्षित आकार से खड़े हो सकते हैं। सुदूर पूर्व ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जलमार्ग यहीं से जाते हैं। कोच्चि के पृष्ठ प्रदेश में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग, नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी तमिलनाडु के भाग है। दक्षिणी भारत के शेष भागों से यह रेल मार्गों और सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा है। इसके पृष्ठ प्रदेश में सुपारी, चाय, कहवा, नारियल, गरम मसाले, रबड़, रस्से, सूत, चटाइयाँ, खोपरा, गिरी, नारियल का तेल, काजू, इलायची आदि पैदा होती है। आयात के अंतर्गत चावल, गेहूँ, कोयला, पेट्रोलियम, रासायनिक उर्वरक, लोहा इस्पात की मशीनरी व कच्चा काजू आते हैं। इस पत्तन के निकट एक जहाज निर्माणशाला है। तेल के शोधनशाला के कारण पेट्रो रसायन उद्योग यहाँ पर तेजी से विकसित होता जा रहा है। अब हम आते हैं बच्चों भारत के पूर्वी तट पर, कोलकाता बंदरगाह। वर्तमान में कोलकाता महानगर पश्चिमी बंगाल की राजधानी नगर है तथा देश में मुंबई व दिल्ली के बाद तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। यह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर उत्तर में हुगली नदी पर स्थित होने के कारण देश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह भारत का ही नहीं वरना संपूर्ण एशिया का प्रमुख बंदरगाह और भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार, पूर्वी भारत का द्वार कहलाता है। भारत के पूर्वी तट के लिए कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई के बाद। यह बंदरगाह हुगली नदी के किनारे 8 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। चूँकि कोलकाता हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए यह भारत का एकमात्र नदी पर स्थित नदीय बंदरगाह है।
इस बंदरगाह को हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या का सामना करना पड़ता है और हुगली नदी ही इस बंदरगाह को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए जलीय मार्ग प्रदान करती है। वर्तमान में विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया बंदरगाहों के बढ़ते महत्व ने कोलकाता बंदरगाह के महत्व को थोड़ा कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम तथा उत्तरी पूर्वी राज्य इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश के में सम्मिलित है। इसके अलावा यह बंदरगाह भूटान तथा नेपाल जैसे स्थलबद्ध पड़ोसी देशों के लिए भी आयात निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। हुगली नदी में निरंतर मिट्टी भरे रहने के कारण 64 किलोमीटर दूर खुली खाड़ी में डायमंड पोताश्रय का निर्माण किया गया। यहाँ तक जल की पर्याप्त गहराई के कारण बड़े बड़े जहाज पहुँच जाते हैं। यहाँ से एक एक करके प्रायः ज्वार के समय ये जहाज खिदीरपुर तक जाते हैं जो कि कलकत्ता का मुख्य पोताश्रय है। हुगली के मुहाने से कोलकाता तक जहाज़ों के आने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। हुगली तट पर उत्तर में श्रीरामपुर से लेकर दक्षिण में बजबज तक बंदरगाह स्थित है। वहाँ अनेक जेटियाँ, गोदाम और व्यापारिक केंद्र है। हल्दिया पत्तन, हल्दिया बंदरगाह की स्थापना कोलकाता से 105 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी पर की गई है। इस बंदरगाह का विकास कोलकाता बंदरगाह के परिवहन भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का अनुपूरक बंदरगाह है। इस बंदरगाह द्वारा लोहयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट व जूट के उत्पाद, कपास व सूती धागों का निर्यात प्रमुख रूप से किया जाता है। हल्दिया पत्तन के समीप एक तेल शोधनशाला तथा एक उर्वरक कारखाना भी है। पारादीप, पारादीप पत्तन ओडिशा राज्य के कटक से 100 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। महानदी के डेल्टाई भाग का यह पारादीप बंदरगाह स्थित है। महानदी के डेल्टाई भाग पर इसका पोताश्रय सबसे गहरा होने के कारण भारी जलपोतों के आवागमन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस बंदरगाह का विकास प्रमुख रूप से लौह अयस्क के निर्यात के उद्देश्य से किया गया है। ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश में सम्मिलित राज्य है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसका बंगाल की खाड़ी से संपर्क एक नहर के निर्माण द्वारा किया गया है। यह नहर ठोस चट्टान व बालू को काटकर बनाई गई है। इस बंदरगाह के पूर्व में समुद्र तट के सहारे लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान के उद्देश्य से एक बाह्य बंदरगाह भी विकसित किया गया है। विशाखापट्टनम बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए फैला हुआ है। चेन्नई बंदरगाह, भारत के पूर्वी तटीय भाग पर तमिलनाडु की राजधानी नगर चेन्नई के समीप यह बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक है। यह कृत्रिम बंदरगाह है बच्चों, जिसका निर्माण 1859 में किया गया था। बंदरगाह के सागरीय जल के उथले होने के कारण यह बंदरगाह विशाल पोतों के आवागमन के लिए अनुकूल नहीं था। सागरीय तट के कटाफटा न होने के कारण सुरक्षा दृष्टि से भी एक कृत्रिम कंक्रीट की दीवार यहाँ पर निर्मित की गई जिससे वर्षा व सागरीय तूफान के समय जलयान यहाँ पर सुरक्षित रूप से खड़े हो सकते हैं। यह पत्तन पृष्ठ प्रदेश में तमिलनाडु और पांडुचेरी तक फैला हुआ है। इसका पृष्ठ प्रदेश चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर की दूरी पर चेन्नई बंदरगाह पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए एन्नोर नामक बंदरगाह का विकास किया गया है। पूर्वी तट का एक अन्य बंदरगाह है तुतीकोरीन पत्तन। तमिलनाडु तट पर नवनिर्मित यह बंदरगाह पुराने तुतीकोरीन बंदरगाह से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसे वीओ चिदंबरनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह कृत्रिम रूप से गहरा किया गया है। एक खुला तथा सुरक्षित पोताश्रय है जिसे मध्यम आकार के जलयानों का आवागमन होता है। इस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश दक्षिण तमिलनाडु पर विस्तृत है। तुतीकोरीन बंदरगाह से मत्स्य उत्पादों, कोयला, नमक, खाद्यान्न तेल, चीनी, पेट्रोलियम आदि उत्पादों का व्यापार होता है। इस बंदरगाह से मछली उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जाने के कारण
तुतिकोरिन बंदरगाह को मत्स्यन बंदरगाह भी कहा जाता है। यह बंदरगाह पूर्व में श्रीलंका और उत्तर पूर्व में आदम जल संयोजक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है। यह पूर्व में हेर द्वीप से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ की गहराई पर्याप्त है जिससे बड़े बड़े जहाज सरलता से ठहर सकते हैं। इसका निरंतर विकास करके चेन्नई एवं कोच्चि बंदरगाहों के दबाव को कम किया जा रहा है। भारत के हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में वायु परिवहन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम से कम समय में लंबी दूरियों तक उच्च मूल्य वाले या नाशवान सामानों को परिवहन में वायु परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत स्थूल सामान के परिवहन के लिए एक महंगा साधन है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन का महत्व महासागरीय मार्ग परिवहन की तुलना में बहुत ही कम होता है। वायु परिवहन के केंद्र हवाई अड्डे या विमानपत्तन कहलाते हैं। यहाँ वायु यानों के उड़ने व उतरने की सुविधाएं उपलब्ध होती है। अगर हम वार्षिक रिपोर्ट देखें तो 2016 और 17 के अनुसार देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों या हवाई पत्तनों के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कुन्नूर नगर सम्मिलित है। इसके अलावा अमृतसर, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, वाराणसी, श्रीनगर, पटना और इम्फाल घरेलू हवाई अड्डों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त पटना बिहार में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, बागडोगरा पश्चिमी बंगाल में, बड़ोदरा गुजरात, अगरतला त्रिपुरा, मदुरई तमिलनाडु, रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, उदयपुर राजस्थान में, देहरादून, जौलीग्रांट उत्तराखंड में, भुज जामनगर, पोरबंदर, केशोद भावनगर और राजकोट गुजरात में, लेह में जेके एयरपोर्ट, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, डिब्रूगढ़ असम, जोधपुर राजस्थान, औरंगाबाद महाराष्ट्र, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सिलचर असम, आइजोल मिजोरम तथा जबलपुर मध्य प्रदेश के प्रमुख घरेलू उड़ानों के हवाई अड्डे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाहों का और हवाई अड्डों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आंतरिक व्यापारिक मार्गों के रूप में सड़क और रेल मार्ग इसको बहुत अधिक पृष्ठ प्रदेश से जोड़कर सहयोग देते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत का विकास आने वाले भविष्य में बहुत ही उन्नत और उज्ज्वल होगा। जय हिंद बच्चों।